सनसनी ऑफ इंडिया। गैर बिरादरी में बिना बताए शादी करने की बात से पिता को इतनी नाराजगी नहीं हुई थी जितना बेटी से प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर हुई थी। माँ बाप ने इज्जत का हवाला देकर बेटी को घर में आने को मना किया, लेकिन बेटी जिद पर अड़ गई कि जिससे उसने गुपचुप तरीके से शादी की है अब उसी से इसी घर में धूमधाम से शादी करेगी। बेटी के न मानने और प्रेग्नेंट की सच्चाई जाने बिना इज्जत की खातिर घर में गोली मारकर डेड बॉडी को लाल रंग की ट्राली बैग में बंद करके रात के अंधेरे में दिल्ली के बदरपुर इलाके से ले जाकर मथुरा में फेंक दिया था। यूपी की मथुरा पुलिस ने मात्र 48 घंटे के अंदर ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाते हुए मृतक लड़की आयुषी की मां ब्रिजवाला व बाप नितेश यादव को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल कार .32 बोर की लाइसेंस रिवाल्वर, 2 खाली कारतूस व लड़की का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। बदरपुर थाना इलाके के मकान नंबर 2461 गली नंबर 65 ब्लॉक ई 2 मोलरबंद एक्सटेंशन में रहने वाली 22 साल की आयुषी DGIT जनकपुरी में BCA फाइनल ईयर की छात्रा थी। पढ़ाई के दौरान एक साल पहले भरतपुर राजस्थान निवासी छत्रपाल गुर्जर नाम के युवक से गुपचुप तरीके से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। आयुषी घर से बिना बताए चली जाती थी जिस कारण माता पिता बदनामी के कारण लड़की से परेशान रहते थे। दिनांक 17 नवंबर को कई दिनों के बाद आयुषी अपने घर आई। उस दिन मैरिज सर्टिफिकेट माता पिता के हाथ लग गया। पिता नितेश यादव ने मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर आयुषी से सवाल जवाब किए लेकिन वो इग्नोर मारती रही। इतना ही नहीं, आयुषी अपने माँ बाप पर इस बात का भी दबाव बनाने लगी कि जिस लड़के से उसने लव मैरिज की है अब उससे इसी घर में धूमधाम से शादी करेगी। पिता ने इतना तक बोल दिया था कि तूने अपनी मर्जी से शादी कर ली है तो अब अपने पति के घर जाकर रह, यहाँ आकर हमारी बदनामी मत कर। सबसे ज्यादा सदमा तो माँ बाप को तब लगा जब आयुषी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। हद तो तब हो गई जब आयुषी अपने सभी रिश्तेदारों को मैसेज करने लगी कि देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ और जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ मेरे मम्मी पापा उससे मेरी शादी नहीं करा रहे हैं। प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर भी माँ बाप ने आयुषी को बहुत समझाया कि यहाँ कॉलोनी और रिश्तेदारों में तेरी शादी के बारे में किसी को नहीं पता है, ऐसे में तेरी प्रेग्नेंट होने की बात पता चलेगी तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन आयुषी नहीं मानी और जिद पर अड़ गई कि वो धूमधाम से इसी घर से शादी करेगी। बातचीत के दौरान आयुषी के पेट में दर्द हुआ। यह देखकर आयुषी के माता पिता को लगा कि कहीं यह सच में प्रेग्नेंट तो नहीं है, अगर बच्चा हो गया तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। आयुषी के न मानने व प्रेग्नेंट की सच्चाई जाने बिना नितेश यादव दूसरे कमरे में गए और अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर छुपाकर लेकर बाहर आए। उन्होंने आयुषी को फिर से समझाने की कोशिश की कि तू अब अपने पति के घर चली जा, यहाँ हमारी बदनामी मत कर, लेकिन आयुषी अपनी बात पर अड़ी रही। दोपहर लगभग 2 बजे गुस्से में नितेश यादव ने आयुषी की कनपटी पर रिवॉल्वर सटाकर गोली चला दी। आयुषी नीचे गिर गई, उसके बाद दूसरी गोली पेट में मार दी। आयुषी तुरंत मर गई, खून बहने लगा। आयुषी की माँ ब्रजवाला ने साड़ी से खून रोकने की कोशिश की। लाश को ठिकाने लगाने के लिए नितेश यादव बदरपुर मेन मार्केट गया और वहां से सफदे पन्नी लेकर आया। उसके बाद नितेश यादव ने अपनी पत्नी के साथ आयुषी के शव को घसीटकर सफेद पारदर्शी पन्नी के अंदर रखकर लाल रंग के ट्राली बैग में अपने घर में ही छुपाकर रख दिया था। दिनांक 18 नवंबर की रात लगभग 3 बजे लाश को ठिकाने लगाने के लिए ट्राली बैग को दूसरी मंजिल से नीचे उतारा। उसके बाद ट्राली बैग को घसीटकर अपनी फोर्ड फीस्टा कार नंबर DL4CAF9740 के पास तक लेकर आए। ट्राली बैग को कार में रखकर नितेश यादव खुद कार चलाकर अपनी पत्नी ब्रिजवाला के साथ मथुरा जाकर झाड़ियों में ट्राली बैग फेंक कर वापस अपने घर दिल्ली लौट आए। 18 नवंबर की सुबह चौकीदार की नौकरी करने वाले हेतराम नाम के एक व्यक्ति को यमुना एक्सप्रेस वे नोएडा से आगरा की तरफ जाने वाले सर्विस रोड पर बने कृषि अनुसंधान केंद्र पर सड़क के किनारे झाड़ियों में एक लाल रंग का ट्राली बैग दिखाई दिया। चौकीदार ने तुरंत 112 पर कॉल की। मथुरा के थाना राया इलाके की घटना थी, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम ने थाना राया की पुलिस टीम को सूचित किया। सूचना मिलते ही थाना राय प्रभारी ओमहरी वाजपेयी व हरेंद्र कुमार चौकी प्रभारी राया कटपुरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने ट्राली बैग को झाड़ियों से निकालकर बैग की चैन खोलकर देखी तो एक युवती की खून से सनी लाश मिली। रंग गोरा, लंबे काले बाल, जिसकी स्लेटी कलर की टी शर्ट पर लेजी डेज लिखा हुआ था, नीले कलर की पत्तीदार प्लाजो भी पहनी हुई थी। इसके अलावा वान्य हाथ पर लाल कलावा काला धागा, लाल सफेद बैंगनी रंग की साड़ी, पैरों के नाखूनों पर हरे रंग की नेल पेंट लगी हुई थी और चेहरे पर खून के निशान। लाश को देखते ही वहां के लोगों में हड़कंप मच गया। अब मथुरा पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर यह लाश किसकी है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अभिषेक यादव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा ने अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर, अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम व क्षेत्राधिकारी महावन की सुपरविजन व उमहरी वाजपेयी, प्रभारी निरीक्षक थाना राया जनपद के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया। पहली टीम में हरेंद्र कुमार चौकी प्रभारी रायाकट के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल संजीव कुमार व कांस्टेबल राहुल कुमार को शामिल किया। दूसरी टीम अजय कौशल प्रभारी निरीक्षक स्वॉट टीम के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल आशीष तिवारी, कांस्टेबल सोनू भाटी, अभिजीत कुमार, रमन चौधरी, राहुल बालियान व सुदेश कुमार की बनाई गई। विकास कुमार प्रभारी सर्विलांस सेल के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल राघवेंद्र व कांस्टेबल गोपाल ने सर्विलांस की कमांड संभाली। साथ ही विनय कुमार चौकी प्रभारी बिचपुरी व रजत दुबे चौकी प्रभारी मार्कटोल प्लाजा को भी अलग अलग जिम्मेवारियां सौंपी गई। वीरेंद्र कुमार चौकी प्रभारी राया की छोटी बेटी का 19 नवंबर व अजय कौशल प्रभारी निरीक्षक स्वॉट टीम की बेटी का 20 नवंबर को जन्मदिन था। दोनों की बेटियों ने पिछले एक हफ्ते से जन्मदिन वाले दिन अपने अपने पापा के साथ मूवी व घूमने का प्लान बना रखा था, किंतु मरने वाली भी किसी की बेटी है यह सोचकर वीरेंद्र कुमार व अजय कौशल ने अपनी अपनी बेटियों का जन्मदिन मनाने से मृतक की पहचान करना ज्यादा जरूरी समझा। उमहरी वाजपेयी प्रभारी निरीक्षक थाना राया के नेतृत्व में सभी टीमों ने अज्ञात शव के फोटो समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों, गाड़ियों, बसों व रेलगाड़ियों पर चस्पा कर देश के कोने कोने में शिनाख्त कराने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। जांच टीमों ने हिम्मत नहीं हारी और लाश की पहचान के लिए हरेंद्र कुमार चौकी प्रभारी राया ने अजय कौशल प्रभारी निरीक्षक स्वॉट टीम के साथ मिलकर दिन रात एक करके डीसीआरबी कार्यालय व एनसीआरबी के जिपनेट के डाटाबेस पर अपलोड लखनऊ, फरीदाबाद, दिल्ली, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, भरतपुर, जयपुर, नोएडा व गाजियाबाद आदि की करीब 20 से 22 वर्ष की लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्टों को खंगाला, लेकिन लाश की पहचान से मिलती जुलती गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। वीरेंद्र कुमार चौकी प्रभारी रायाकट को अभी तक की जांच से इतना तो अंदाजा लग चुका था कि लड़की की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई नहीं गई है। कातिल इतना शातिर था कि लाश की पहचान न हो इसके लिए ट्रोली बैग पर लगे कंपनी के टैग को भी हटा दिया था। वीरेंद्र कुमार चौकी प्रभारी रायाकट ने मथुरा व आसपास के इलाकों में ट्रोली बैग बनाने वाले लोगों से संपर्क किया तो पता चला कि वारदात में इस्तेमाल ट्रोली बैग दिल्ली एनसीआर में ज्यादा बिकते हैं। छोटा सा क्लू मिलते ही वीरेंद्र कुमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों, मीडिया कर्मियों, दोस्तों व मुखबिरों में लाश की फोटो को सर्कुलेट कर दिया। दिल्ली एनसीआर में फोटो सर्कुलेट होते ही पहला इनपुट मिला कि लाश से मिलती जुलती एक लड़की दिल्ली के डेरा फतेहपुर से भी लापता है। वीरेंद्र कुमार चौकी प्रभारी रायाकट टीम के साथ तुरंत दिल्ली के डेरा फतेहपुर पहुंचे। वहां लापता लड़की की जानकारी जुटाई तो पता चला कि यह वो लड़की नहीं है। टीम फिर से जीरो पर आकर खड़ी हो गई, लेकिन डेरा फतेहपुर में जांच के दौरान वीरेंद्र कुमार चौकी प्रभारी को एक अहम जानकारी मिली। डेरा फतेहपुर में रहने वाले एक परिवार ने बताया कि वो पहले बदरपुर के मोलरबंद इलाके में रहते थे और इस लड़की को वहीं देखा था। जानकारी देने वाला इतना तो श्योर था कि लड़की मोलरबंद में कहीं की है, लेकिन उसे घर का पता मालूम नहीं था। वीरेंद्र कुमार चौकी प्रभारी टीम के साथ बदरपुर थाना इलाके के मोलरबंद इलाके में डोर टू डोर जाकर लड़की की फोटो दिखाकर जानकारी जुटाने का प्रयास करने लगे। पूछताछ के दौरान टीम को पता चला कि फोटो से मिलती जुलती लड़की मकान नंबर 2461, गली नंबर 65, ब्लॉक ई, 2 मोलरबंद एक्सटेंशन, बदरपुर में रहती है, लेकिन वो कई दिन से दिखाई नहीं दी है। उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार टीम के साथ तुरंत बताए पते पर पहुंचे तो वहां एक बूढ़ा व बुढ़िया मिले। टीम ने जब उनको लाश का फोटो दिखाया तो दोनों बुजुर्गों ने फोटो को पहचानने से इनकार कर दिया। तभी वहां एक लड़का आया और फोटो देखकर जोर से चिल्लाया कि यह तो मेरी दीदी है। लड़के ने तुरंत अपने मोबाइल में एक फोटो दिखाया जो हूबहू लाश से मिल रहा था। मृतक लड़की के भाई से बातचीत करने के बाद टीम को इतना तो कन्फर्म हो गया था कि लड़की इसी घर की है। लड़के से पता चला कि लाश की फोटो देखकर इनकार करने वाले बूढ़ा व बुढ़िया कोई और नहीं लड़की के दादा दादी थे। आगे की पूछताछ के लिए एक टीम लड़की के भाई को घर के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में लेकर आ गई। दूसरी टीम घर पर रुककर लड़की के दादा दादी से पूछताछ करने लगी। तभी घर की दूसरी मंजिल से एक महिला नीचे उतर कर आई। पता चला कि महिला मृतक लड़की की मां थी। लड़की की मां कभी अपनी बेटी को बदचलन बताती तो कभी यह बोलकर अपना पल्ला छाड़ने की कोशिश करती कि उसकी बेटी कई दिनों तक घर नहीं आती है, इसलिए हम उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार को बातचीत में लड़की की मां पर कुछ शक हुआ।
लेकिन उप निरीक्षक वेंद्र कुमार लाश की शिनाख्त को लेकर कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले भी कानपुर के एक परिवार ने लाश की फोटो देखकर अपने घर की बेटी बताया था और उस समय टीम को लगा था कि अब तो मामला सुलझ गया। लेकिन पूरा एक दिन बीत जाने के बाद कानपुर के लोगों ने फोन पर ही यह बोलकर इनकार कर दिया था कि उनकी बेटी के पैर पर बर्फ मार्क था, किंतु इस लाश के पैर पर नहीं है, इसलिए यह उनकी बेटी नहीं हो सकती है। इसलिए अब आगे की जांच के लिए लाश की शिनाख्त होना बहुत जरूरी था और यह तभी संभव हो सकता था जब घर के लोग मथुरा जाकर लाश की पहचान करते। लाश की शिनाख्त के लिए उप निरीक्षक वेंद्र कुमार ने यह जताते हुए माँ बेटे को विश्वास में लिया कि पुलिस को उनके परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। माँ बेटे ने मथुरा जाकर मोर्चरी में रखे शव की शिनाख्त आयुषी के रूप में की। उप निरीक्षक वेंद्र कुमार को परिवार पर शक तो पहले से ही था, लेकिन शक उस समय और गहरा हो गया जब टीम ने पूछा कि घर में कौन सी गाड़ी है, तो मृतक लड़की के पिता ने जवाब दिया कि उनके पास मारुति कार है, वो भी दारू सप्लाई करते समय जैतपुर थाना पुलिस ने पकड़ ली थी। किंतु लड़की के भाई से अलग पूछताछ करने पर पता चला कि उनके पास DL4CAF9740 नंबर की फोर्ड फीस्टा कार है। टीम ने दिल्ली से मथुरा जाने व आने वाले रूट पर पड़ने वाले सभी टोल प्लाजा का डाटा व सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो अहम सुराग हाथ लगे। दिनांक 18 नवंबर की सुबह लगभग 5 बजे मृतक लड़की के पिता नितेश यादव व मां ब्रिजवाला फोर्ड फीस्टा कार नंबर DL4CAF9740 से NH2 हाईवे कोटवन टोल प्लाजा के सीसीटीवी में नजर आए। टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज दिखाकर लड़की के पिता नितेश यादव व मां ब्रिजवाला से अलग अलग पूछताछ की तो दोनों टूट गए। पूछताछ में पिता नितेश यादव व मां ब्रिजवाला ने अपनी बेटी आयुषी को जान से मारने की बात कबूल कर ली। जांच में टीम को पता चला कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए दिनांक 18 नवंबर को ट्राली बैग को कार में रखकर नितेश यादव खुद कार चलाकर अपनी पत्नी ब्रिजवाला के साथ NH2 हाईवे कोटवन टोल प्लाजा से सुबह समय करीब 5 बजे निकलकर यमुना एक्सप्रेसवे पर आकर वृंदावन कट के अंडरपास से समय करीब 6:50 पर सर्विस रोड कृषि अनुसंधान केंद्र की सड़क पर झाड़ियों में ट्राली बैग फेंककर वापस सर्विस रोड से यमुना एक्सप्रेसवे पर मार्ग टोल प्लाजा से सुबह करीब 7:10 पर निकलकर अपने घर दिल्ली वापस चले गए। इस पूरे घटनाक्रम का आयुषी के भाई को पता नहीं था। ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा होने के बाद मृतका के पिता नितेश यादव और मां ब्रिजवाला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर, 2 खाली कारतूस व जिस गाड़ी से लड़की का शव मथुरा लाया गया उसे भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने मृतका के माता पिता के कब्जे से आयुषी का मोबाइल भी बरामद कर लिया है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द। कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या। कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 सनसनी ऑफ इंडिया।